हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और आलू से बहुत ही नए तरीके के चिला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाते हैं। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमीदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप बेसन लेंगे। इसमें हम हाफ बारीक चॉप्ड की हुई प्याज लेंगे। ये हमने एक शिमला मिर्च को बारीक चॉप्ड कर लिया है और इसी में एक हरी मिर्च है उसे भी हमने बारीक चॉप्ड कर लिया है, वो हम डालेंगे। इसमें एक ग्रेट किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ आलू, ये कच्चे आलू को ही हमने कद्दूकस किया है। एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, थोड़ी सी धनिया, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, दो बड़े चम्मच दही। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी आप ध्यान से ज़रूरत के हिसाब से डालें। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है बैटर। और देखिए, आप इसमें अपने मनपसंद का कोई सा भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी, हमें इसे इतनी ही रखनी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसे हम ढक के 5 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। 5 मिनट बाद अब इसमें हम 1/4 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस पर एक तवा लिया है, इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। जो हमारा बैटर है वो हम इसमें डालेंगे तवे पर और इसको फैला देंगे। अब पहले एक साइड से इसे हम सिकने देंगे। एक साइड से सिकने के बाद इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसे सिकने देंगे और गैस के फ्लेम को ध्यान रखें, लो मीडियम पे रखें। ये चिल्ला हमारा दोनों साइड से सिक चुका है। अब इसे हम तवे से बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो हमारा बैटर है उसके भी इसी तरीके से चिल्ले बना लेंगे। लेकिन देखिए, आप चिल्ले अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे आप छोटे बड़े साइज के चाहते हो। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेसन और आलू के बिल्कुल नए तरीके के चिल्ले सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपने देखा कि एक कप बेसन और थोड़े से वेजिटेबल से हमारे कितना बढ़िया और हेल्दी नाश्ता बन गया। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सुबह के भागम भाग में या शाम की चाय में कभी भी आप ये इसे बना के खा सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।